अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जी, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था इसको सिक्योरिटी कोड का प्रॉब्लम था और फॉरवर्ड किया था, तो इस पे ये प्रॉब्लम आ गया था, मेन्यू बटन नॉट अवेलेबल। तो ये प्रॉब्लम आपको दोबारा से मैं दिखा रहा हूँ, और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको दिखानी है कि इस प्रॉब्लम के कैसे सोल्यूशन निकालें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो चलें दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो जो है इसका बता देता हूँ कि इसका प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीसी स्क्रीन पे आ गए हैं, तो यहाँ पे जो है वही मेरिकल बॉक्स, जैसे इसको सिक्योरिटी कोड रीसेट किया था, अब दोबारा से इसको फ्लैश करना है। तो फ्लैश हमने कैसे करना है, फ्लैश पहले इसका ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब ये ओरिजिनल नोकिया नहीं है, तो ये ओरिजिनल नहीं है, तो इसलिए फिर इसका फ्लैश फाइल भी ओरिजिनल नहीं होगा, तो दूसरे वाला लगेगा। और फ्लैश फाइल मेरे पास है, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद है कि ये फ्लैश फाइल आपके मोबाइल फ़ोन पे भी वर्क करेगी, अगर आपका मोबाइल फ़ोन ओरिजिनल नहीं है तो। तो मिरेकल बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ, तो उसको ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको फ्लैश फाइल लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एमटी के चिप खुद ही इसने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे आपको बूट सेलेक्ट करना होगा। 7 बूट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, 8/52/76, इस बूट्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक फोल्डर टाइप एक ऑप्शन नज़र आएगा नीचे से, तो आपने, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए फोल्डर टैब ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसको जब भी मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये आ रहा है ओपन फाइल। तो आप यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करें जो आप फ्लैश पे लगाना चाहते हैं। तो मैंने अपने कंप्यूटर में जाना है, और कंप्यूटर में जाने के बाद आगे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो है मेरे पास पड़ा है ये नोकिया फ्लैश फाइल, जो इस पार्टीशन को मैं खोलूंगा इसके अंदर मैंने फ्लैश फाइल रखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दो फ्लैश फाइल मैंने रीड करके रखी हुई हैं, तो ये ओरिजिनल मोबाइलों की नहीं है, ये दो नंबर जो मोबाइल आ रहे हैं चाइना के, तो ये वो मोबाइल वाली फ्लैश फाइल है, तो ये वर्क करेगी। तो ये फ्लैश फाइल मैंने रीड करके रखी हुई है, तो इस फ्लैश फाइल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैश फाइल हमारी आ चुकी है, और उसके बाद आपने राइट पे पहले क्लिक कर दिया, उसके बाद आपसे फ्लैश मांगेगा, तो फ्लैश फाइल को मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो अब जो है मैंने सीधा यहाँ पर काम करना है, इसको स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो स्टार्ट पे कलेक्ट करने के बाद दोस्तों, मैं अब आपको दिखाऊंगा कि आपने आगे मोबाइल फ़ोन की बैटरी निकाल लेनी है, और बैटरी निकालने के बाद आपने दोबारा से लगानी है, और आपने इसको सिर्फ स्टार्ट पे क्लिक किया होगा पहले आपने, उसके बाद सिर्फ आपने केबल अटैच करनी है। जैसे ही मैंने केबल को अटैच किया तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन जो है कनेक्टिंग हो गया है। तो आपने यहाँ पे कोई बूट की वगैरह कुछ भी नहीं दबाना, सिर्फ आपने सिंपल बैटरी निकाल के दोबारा लगा के इसको कनेक्ट कर देना है। और फ्लैश फाइल आपने, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपने ओरिजिनल मोबाइल फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, उसको आप फॉरवर्ड करोगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो नंबर जो मोबाइल फ़ोन है उसको फॉरवर्ड करोगे तो मेन्यू बटन नॉट अवेलेबल आ जाता है। ये और भी मॉडल हैं, तो मतलब ये तरीकाकार बिल्कुल सेम होगा, जो भी आपके पास मोबाइल मसला करता है उसको आप फ्लैश फाइल लगा के उसको सही कर सकते हैं। तो वो आपका मोबाइल फ़ोन जो मेन्यू बटन पर नॉट अवेलेबल बताएगा, वो आपका मोबाइल फ़ोन ओरिजिनल नहीं है, तो इसलिए वो बता रहा है, तो उसको दोबारा से फ्लैश करना पड़ेगा। तो मैंने इसको अब फ्लैश पे लगाया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पे, तकरीबन 1-1.5 मिनट्स के अंदर यहाँ पे हमारा फ्लैश फाइल कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के बाद ये टूल्स जो है, ये एक क्रैक वर्जन है, तो ये खुद ही, ये जब फ्लैश फाइल इसका मुकम्मल होता है तो ये खुद ही यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ये बंद हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आगे आपने मोबाइल फ़ोन की फिर वही करना है कि बैटरी निकालनी है। तो फ़िलहाल ये 100% कंप्लीट हो गया, तो ये टूल्स बंद हो गया, तो मैं पीसी स्क्रीन को अब बंद करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं केबल को मैंने निकाल दिया, और दोबारा से बैटरी को निकाल के दोबारा लगा दिया, तो इसको मैं अब ऑन करता हूँ, तो ऑन नहीं हो रहा मोबाइल फ़ोन। इसको दोबारा से बैटरी निकाल के एक बार दोबारा से लगा लेते हैं, बाज़ों का बैटरी अच्छी तरह से कनेक्ट ना हो तो मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं भी होता। तो फ्रेंड्स, ये मोबाइल फ़ोन जो है अब ऑन हो रहा है, लाइट ब्लिंकिंग आ गई है इसकी, तो मोबाइल फ़ोन हमारा ऑन हो गया। तो उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊँगा, फ्रेंड्स वीडियो को आप पूरा देखा करें, मैं कोशिश करता हूँ 100% सोल्यूशन लेके आऊँ जो कि दोस्तों को पसंद आना चाहिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मेन्यू बटन जो नॉट अवेलेबल बता रहा था, अब हमारा मेन्यू बटन वर्किंग में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखा दिया बिल्कुल ईजी तरीका था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।